तो दोस्तों अभी हम मैनर कोचिंग में हैं और यहाँ जो मैनर कोचिंग है वो कौन किस किस सिलेबस को यहाँ पे पढ़ाया जाता है और किस किस बोर्ड की पढ़ाई कराई जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ के बच्चों से बात करके कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक लड़के से मिलते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? आप किस बोर्ड से हैं? तो यहाँ पे कौन कौन से बोर्ड की पढ़ाई कराई जाती है? आप सीबीएसई की तैयारी करते हैं तो अभी यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने के बाद जो एक होता है ना कि समझ में आया नहीं समझ में आया, क्या यहाँ जो पढ़ाया जाता है तो आप सही से समझ जाते हैं? समझ में आता है लेकिन यहाँ पे जो समझ में नहीं आता है जिसको उसके लिए डाउट क्लास है, जो समझ में नहीं आता है वो आप डाउट क्लास में जाकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है, तो डाउट क्लासेस की बात हो गई और साथ में यहाँ पे ये भी देखा गया है मैनर कोचिंग के अंदर कि यहाँ पे डिजिटल क्लास से भी पढ़ाई होती है, ठीक है? तो डिजिटल क्लास से पढ़ाने का जो तरीका है क्या वो आपको समझ में आता है? कहीं होता है ना कि कभी कभी बीच में समझ में नहीं आता होगा, तो क्या टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते? टेस्ट भी तो होता है, टेस्ट की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो हर 15 दिन में टेस्ट होता है। तो आपको उस टेस्ट से क्या फ़ायदा दिखता है, कि आपको फ़ायदा दिखता है या नहीं दिखता है उसके बारे में कुछ बताएंगे? जितना भी पढ़ाई हुआ है उससे क्या होता है कि आपका जितना भी मतलब पढ़ाई हुआ है वो आपका रिवाइज हो जाएगा और अपना। अच्छा, तो ये तो बात टेस्ट की है। तो ठीक है, वो तो गिफ्ट तो खैर उनको मोटिवेट करने के लिए मिलता है ताकि बच्चे और अच्छा करें अपने अपने पढ़ाई में, ठीक ना? थोड़ा सा कंपटीशन की भावना एक दूसरे के बीच में आ जाती है, तो और बढ़िया। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज है जिससे मतलब आप यहाँ के फैसिलिटीज से खुश हैं? क्योंकि हमने काफ़ी सुना है यहाँ मैनर कोचिंग के बारे में, लोग भी बाहर बातें करते हैं कि हाँ जो मैनर कोचिंग है वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ पे डिसिप्लिन से पढ़ाई होता है। तो इससे क्या आप वो मैनर कोचिंग का नाम कैसे ऊँचा हुआ, यहाँ का रिजल्ट कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उससे तो आपका जितना भी मतलब जो भी चैप्टर पढ़ेगा उसका रिवाइजिंग रहेगा और क्या होगा कि मतलब जो आपका मतलब इम्प्रूवमेंट होगा वो आपको पता चल जाएगा टेस्ट के बाद क्या इम्प्रूवमेंट और क्या नहीं। तो वो भी अब एक बार पेरेंट्स से कैसे पता चल रहा है कि पेरेंट्स आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं, टेस्ट के दौरान यहाँ पे खैर वो तो बात हो गई, बाकी सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बात हो गई, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ है जिससे होता है ना कि ग्रुप स्टडीज़, क्योंकि ग्रुप स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो उसमें बच्चे जो है ना सेल्फ स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो जैसे होता है कि मतलब बच्चे होता है कभी कभी टीचर से पूछने में थोड़ा लगता है, उनको घबराहट होती है, लेकिन होता क्या ना कि अगर कोचिंग के अंदर ही ग्रुप स्टडीज़ अगर कराई जाती है तो क्या उससे यहाँ पे ग्रुप स्टडी कराई जाती है या नहीं कराई जाती है, और कराई जाती है तो उससे क्या बच्चों को फ़ायदा होता है? ग्रुप स्टडी कराई जाती है उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी लड़का है जो अभी मान लीजिए कि क्लास में जितना भी लड़का है उसके सामने बोलने से शर्म आ रहा है, तो क्या होता है कि ग्रुप स्टडी में जो आपका फ्रेंड है उसको नहीं समझ आ रहा है कि सारी सब प्रॉब्लम है, उससे मतलब बोलिएगा वो टीचर से आप इस बात बोलिएगा से बातें करके अच्छा लगा। आई होप सो कि आप यहाँ पर अच्छा करें और अपने लाइफ में बहुत सारी सफलताएं पाएं, यही हमारी काम।